एक बार और नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत ही शानदार और बहुत ही यादगार होने वाला है। अभी आपको फ्रेम में जो दो मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा है, दोनों अपने आप में महारथी हैं। एक है यूजी के हाईएस्ट टॉपर, मतलब पूरे विश्वविद्यालय में हाईएस्ट रैंकिंग इनका है, यूजी से एक लोग का पीजी से। कैप से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कौन यूजी से है। जो पिंक कैप है हमारे पास वो यूजी की छात्रा है और जो रेड कैप है वो है पीजी का। थोड़ा सा दुखद मेरे लिए ये भी है कि ये कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि छात्र जो लड़के होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ये हमेशा जब भी कोई रिजल्ट आता है तो उसमें लड़कियों के ही नाम आते हैं। अच्छी बात है, आप लोग जब आगे आते हो तो बहुत सारी पीछे लड़कियों को प्रेरणा का स्रोत बनते हो। तो आपको कैसा लग रहा है अभी ये मेडल लेके? काफी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या नाम है आप लोग का? मेरा नाम सुश्री है। सुश्री, वाओ। मेरा नाम सुश्री। सुश्री, सुश्री जी। ओके, भद्रप्रिया। भद्रप्रिया कहाँ से आप आते हो? बिहार, दरभंगा से। दरभंगा बिहार से हैं। यूनिवर्सिटी की 2023 की यूजी की हाईएस्ट कितना सीपी आपका? 9.69। आपका? मैं केरला से हूँ और मेरा CGPA 9.98 है। 9.98? ओह माय गॉड, ये कैसे होता है? मतलब ये इतने परसेंटेज कैसे बनते हैं? वही मेहनत करते रहो और अपने गुरुजी का आशीर्वाद की वजह से। अच्छा, किस फैकल्टी सब के साथ डिपार्टमेंट से आपको? हम दोनों परफॉर्मिंग आर्ट्स से हैं। दोनों लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स से हैं। इंस्ट्रूमेंटल से हूं मैं, बांसुरी और ये सितार है। अच्छा, ये सरप्राइजिंग बात है कि पहली बार परफॉर्मिंग आर्ट्स में मेडल गया हुआ है। मतलब नहीं, पिछले बार भी हुआ था 2020 में, यूजी में भी मुझे ही मिला था। अच्छा, यूजी की मेडलिस्ट भी यही है, पीजी की मेडलिस्ट भी यही है। और मेरे साथ मेरे पीजी में भी एक भैया ही थे, प्रशांत भैया ही थे, उनको पीजी में मेडल मिला था मेरे साथ ही। अभी आपकी फैमिली को कैसा लग रहा है सुन के ये पूरा? काफी अच्छा लग रहा है, मेरे भैया भी आए अभी। अच्छा, आप बेसिकली आज के दिन सबसे ज्यादा याद किसको कर रहे हैं? अपने कॉलेज के सभी टीचर्स को। सही, टीचर्स को? आप? हमें सारे टीचर्स को। गुड़िया फैमिली में जब ये न्यूज गया तो उन्हें कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने जो जूनियर्स आने वाले हैं विश्वविद्यालय में, उनके लिए क्या मैसेज है, उनको क्या कहना चाहोगे? लाइक कि उनको क्या करना चाहिए आगे कि आपकी जैसे वो भी अपना इतना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें? तो ये कि लाइक बीएचयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जगह है और इतना अच्छा सपोर्टिव टीचर्स है सब लोग, तो अपने से मेहनत करते रहो तो आगे नेक्स्ट भी आपका। आगे आपको क्या बनना है? मतलब मुझे आगे अभी रिसर्च करने का कुछ वो है, लाइक अभी एडमिशन हुआ नहीं है, एडमिशन का वेट कर रही हूं के लिए। अभी फॉर्म वगैरह आ गया उसमें? हां हां, मतलब आपको बेसिकली इन्हीं सब सितार आपने बोला तो फ्लूट? मैं फ्लूट। अच्छा, फ्लूट, बांसुरी में आपको आगे अपना करियर बनाना जी, और परफॉर्मेंस भी करना है। अच्छा, ये हमारा जो कुलगीत है ये आपको आता है बांसुरी में बजाने? थोड़ा। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि अगर दीदी यहीं पे पीएचडी एनरोलमेंट ले लेती है तो हम लोग इनका एक बार कुलगीत बांसुरी से बजा कर। अच्छा, आपका वादन सितार जी, और सितार में जो सरस्वती माता कैरी करती हैं वो वीणा? अच्छा, वीणा सितार। लाइक मैं थोड़ा सा, वीणा में दो तुम्हें होते हैं, सितार में एक ही तुम्हें। अच्छा, मतलब लुक एक ही जैसा होता है। आप भी अपना करियर इसी बनाना चाहते हो? हाँ, सितार से। अभी मास्टर्स चल रहा है। अभी मास्टर्स सब चल रहा है? कहाँ चल रहा है? नहीं, कला संकाय से। फिर से मेडल आना है? फिर से मेडल आना ही होगा। मतलब आप लोग 24 में आप कंप्लीट होगा ना? हाँ, तो 24 का मेडलिस्ट भी मुझे लग रहा है पहले से, आप समझ जाओ भाई यहाँ पे ये दी है, यूजी में भी टॉप, पीजी में भी टॉप, तो यहाँ पे ये भी है और मुझे लग रहा है पीजी में भी आप टॉप करोगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि विश्वविद्यालय में ये देखना पीएचडी करते नजर आएंगे ये लोग, और शायद हम लोग बहुत जल्द इनके जो ये इंस्ट्रूमेंट, आप लोग का जो एक हुनर है इसमें, हम लोग बड़े लेवल पे यानी देश के बड़े बड़े जो स्टेजेस होते हैं उस पे आप लोग, हम लोग उसको देख पाए, दूरदर्शन हो गया और बड़े लेवल पे। मैं सबका आशीर्वाद बना रही हूं हमेशा। देखो ये बहुत बड़ी, आपको माइंड में दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि बार बार अपने टीचर्स को रेफरेंस देना, बार बार अपने टीचरों को वो क्रेडिट देना, क्योंकि शिक्षकों ने इनके लिए बहुत कुछ किया है, आप शायद उन्हीं की बदौलत आज यहाँ। ऐसी चीज है कि गुरु से ही हम लोग शिक्षा लेते हैं ना, तो इसके गुरु के बिना कुछ नहीं है। इन्हीं का ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे नीचे बैठ के शिक्षा ले जाती है, उनके उनके पास सानिध्य में बैठ के आप लोगों शिक्षा ग्रहण करते हो, और आज देखो ये लोग इतना बड़ा एक अचीवमेंट इन लोगों को मिला। फिर भी अच्छा, थोड़ा मोटा एक दो क्वेश्चन हम लोग हट के पूछते हैं, लाइक बनारस में सबसे अच्छा प्लेस आपको कौन सा लगता है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा लगता है? आपका भी यूनिवर्सिटी ही है?
अच्छा, यूनिवर्सिटी में भी बीटी है, लाइब्रेरी है, आपका डिपार्टमेंट फैकल्टी है, क्या अच्छा डिपार्टमेंट भी अच्छा है। मैं लग रहा है बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू लोगों से बात कर रहा हूँ। अच्छा, और सोशल मीडिया आपका कैसा हैंडलिंग है, लाइक सोशल मीडिया पे आप लोग किस तरह से इंटरेक्शन देते हो, कितना समय देते हो? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं आप लोग के माध्यम से कि सोशल मीडिया कितना ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है, कैसे टाइम हम लोग उस पर कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। मेरा कोई सोशल मीडिया नहीं, ओनली व्हाट्सएप। अच्छा, सोशल मीडिया में आप हो ही नहीं? अच्छा, आप? मैं हूँ, जो हेल्पफुल चीजें हैं, जो इफेक्टिव चीजें, उसी में टाइम देना है। अच्छा, तो वही है, लेकिन फालतू के लिए इसे स्क्रॉल करना अच्छा नहीं होता है ना। बेसिकली आप पूरे 24 घंटे में सोने के बाद का, पढ़ाई के बाद का जो समय होता है वो कहाँ देते हो? मतलब दो चीजें हटा दो, उसके बाद राग सुनते हैं, राग सुनते, जो राग सुनते हैं। अच्छा, बहुत सारी सुविधा है यूट्यूब पे। अच्छा, राग सुनते हो बेसिकली आप? लिसनिंग एक बहुत अच्छा टीचर है। तो अच्छा, एक एक लास्ट बहुत कोर टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारी यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं, पीछे हजारों लड़कियाँ छूट जाती हैं जिनको विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो मैं जानना चाहूंगा उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज है जो यहाँ पे नहीं आ पाती हैं, वो कैसे अपने आप को आगे ले आए? हो जाएगा, अपनी मेहनत करते रहो तो जो उनको मिला है उस बेसिस पे अपनी मेहनत को कंटिन्यू करें। अच्छा, और जो लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ रही हैं उनके लिए क्या संदेश है? मतलब आजकल तो जान रहे हैं बहुत सारे, सीरियसली कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे, लगन से काम करो और सभी का आशीर्वाद मिलता है। चलिए, आपको पूरी पाठशाला की टीम की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं जैसा आपको बताया है कि हम लोग मैम को पीएचडी इनरोलमेंट में देखेंगे और साथ ही साथ देश के बड़े बड़े प्रोग्राम में वादन करते हुए टेलीविजन पे, रेडियो पे सुनते नजर आएंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की। हर हर महादेव। ऐसी वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हर हर महादेव। दैनिक जागरण से।